लंबे समय तक शौचालय में बैठने की बीमारी और उसका ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक लड़की को मेरे पास में कुछ दिन पहले लेकर आए, 19 साल की लड़की है, और उसको शुरुआत ऐसे हुई 6 महीने पहले कि भाई उसको पेट में ऐसा दर्द होने लगा और उसको लगा कि भाई अपने को लैट्रिन साफ नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो वो पेट दर्द कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, लैट्रिन हो नहीं रही है, एक एक दिन नहीं हो रही लैट्रिन। तो उसने कोई लैक्सिटिव लिया मगर तभी भी उसको ऐसा लगता था कि लैट्रिन साफ़ नहीं हुई। फिर लैट्रिन साफ़ नहीं करके वो ज़्यादा समय तक लैट्रिन में बैठती थी। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया अभी ये 6 महीने में कि वो उसको बार बार विचार आता है कि भाई अपने को लैट्रिन साफ़ नहीं हुई है और मुझे लैट्रिन में जाके बैठना है, और वो लैट्रिन में जाके बैठ जाती है। वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठती है और उसको लगता है कि नहीं अभी आएंगी, बाद में आएंगी, फिर वो गर्म पानी लेंगी, नींबू का पानी लेंगी, और खाती भी नहीं खाना क्योंकि उसको लगता है कि लैट्रिन आती नहीं है तो मैंने खाना नहीं खाना चाहिए। देखो क्या पैराडॉक्सिकल थिंकिंग है, लैट्रिन आती नहीं है करके मैंने खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि खाना खाएंगे तो लैट्रिन आएंगी नहीं, फिर खाने का क्या होगा, इसलिए खाना ही नहीं खाना, लैट्रिन नहीं आ रही है तो पैराडॉक्सिकल थिंकिंग है। तो इसलिए खाना भी नहीं खा रही क्योंकि उसको लगता है खाना खाएंगी और लैट्रिन नहीं हुई तो वो खाने का क्या होगा, पेट में लैट्रिन तो यहीं हो नहीं रही। वैसे भी बिना खाना खाते हुए अपने को 3-3 घंटे बैठना पड़ रहा है, खाना खाने के बाद में कितना बैठना पड़ेगा। स्नान करने के समय ऐसे ही, हाथ धोने के समय ऐसे ही टाइम लगाती है, स्नान करने के समय 1-1 घंटा बैठेंगी। अब ये घर में है एक लैट्रिन और ये लड़की वो लैट्रिन में 3-3 घंटा सवेरे जाके बैठेंगे तो कैसा होगा, बाकी लोगों ने कब जाना। तो वो उसको चिल्ला रहे, चीख रहे, उसको झंझट करे उस आदमी कि नहीं करना है। फिर उन्होंने दूसरा घर लिया कि जहाँ 2 लैट्रिन है, कम से कम यहाँ बैठ जाएंगी एक, तो चलो बैठ, तो कितना समय तक बैठती है। मगर उनको लगा आखिरी की बीमारी है, इसका इलाज करना चाहिए, कब तक ऐसा चलेगा, और वो मानने को तैयार नहीं। वो बोलते कि मुझे IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मतलब आंत का प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ा आंत, और कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं है। अब ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही बॉर्डर लाइन है कि कॉन्स्टिपेशन है, उसको लैट्रिन होती क्या, उसको पूछा बोलते हाँ लैट्रिन हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं कि लैट्रिन होती नहीं, फिर लैट्रिन होने के बाद में ऐसा लगता है कि लैट्रिन पूरी हुई नहीं, अभी भी बाकी है, और इसलिए फिर वो बैठी रहती है और उसको बैठने में मज़ा आ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि नहीं अपन उठ के बाहर आ गए और फिर ऐसा लगता है कि लैट्रिन आ गए तो फिर, तो इसलिए बैठे रहो, पूरा निकलने दो बाहर। अब खाना ही नहीं खाती तो निकलेंगे कहाँ से, खाना भी कम खा रही है। तो ऐसे इसमें उसको लाया। अभी इसमें काफ़ी डिबेट हो सकता है कि भाई ये इरिटेबल बावल है, कॉन्स्टिपेशन टाइप का इरिटेबल बावल है, कि उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। पेशेंट को और उसको रेडियो को कोई लेना देना इसमें है नहीं। बोलते आपको क्या डायग्नोस करना हो करो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बताया, सब लोगों ने रिपोर्ट दिया कि नहीं भाई हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब टेस्ट निगेटिव है और उसको कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा भी हमको लगता नहीं है, ये सिर्फ उसको लगता है कि मैंने बैठना चाहिए लैट्रिन में, तो ये ज़्यादातर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ही है और इसका इलाज आप साइकेट्रिस्ट के तरफ करो। साइकेट्रिस्ट के तरफ जाने को वो तैयार नहीं, क्यों, बोलते मैं क्या पागल दिड़ी हूँ, मेरे को तो पेट का प्रॉब्लम है, और वो आने को तैयार नहीं। आखिर उसको ज़बरदस्ती मेरे पास में कुछ दिन पहले लाया और फिर उसको मैंने बोला कि भाई देखो आपने भी पेट की तो बीमारी है करके दवाई ले लिया, अब कुछ दिन मेरी दवाई लेकर देखो, देखो जमता है क्या, तो काउंसलिंग भी करो मेरे साथ में, फ़ायदा हो जाएगा तो आपका ही फ़ायदा है, मेरा क्या है उसमें। तैयार हो गई हो, बोले ठीक है आपका भी कर देती हूँ इलाज। बोला भाई मेरा इलाज मत करो यदि आपकी तैयारी नहीं है तो, पहले आपकी तैयारी होना चाहिए कि नहीं ये जो बीमारी है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, पहले आपका बिलीफ क्या है, वो क्या बोलता है वो देखो, क्योंकि आपका बिलीफ ये है कि कॉन्स्टिपेशन की बीमारी और पेट की बीमारी है तो मैं कुछ भी सिर पटक लूँ कुछ होने वाला है नहीं, तो मुझे पहले उसको कन्विंस करने में, बोलने में, समझाने में टाइम लगा, 2-3 सेशन वो हो गए, बाद में वो समझ गए कि ठीक है अभी वो तैयार है कि भाई ये हिप्नोथेरेपी करेगी, काउंसलिंग करेगी, बिहेवियर थेरेपी करेंगी और उससे अपना प्रॉब्लम सुलझा लेंगी। फिर मैंने उसको SSRI ग्रुप की दवाई दिया, क्लोमिप्रामिन दिया, काउंसलिंग किया, हिप्नोथेरेपी किया और उसको धीरे धीरे फ़ायदा होने लगा। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसी बीमारी है कि वो कौन सी भी रूप में बाहर आएंगे पता नहीं। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि बाद में करेंगे इलाज, समझा देंगे,
समझ जाएंगी, ना समझ है, ये बार बार हाथ धोती है, ज़्यादा स्वच्छता रखती है, तो ठीक है, क्या हरकत है। लोग पुरानी वो बीमारी होने देते हैं क्योंकि जानलेवा तो है नहीं, डॉक्टर के यहाँ खर्चा करते नहीं, और फिर प्रॉब्लम आता है। जितना ज़्यादा जितना जल्दी आप, जितना जल्दी आप आएंगे और इलाज करेंगे तो जल्दी फ़ायदा हो जाएगा और पेशेंट अच्छा लाइफ जी सकेगा। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अति स्वच्छता, बार बार हाथ धोना, बार बार वही वही विचार आना, वही वही काम बार बार करना, नकारात्मक विचार बार बार आना, तो ये ओसीडी जो है उसका इलाज जल्दी करना चाहिए। ओसीडी की पर्सनैलिटी जो है, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी, वो भी दिखाई देती है पहले, मतलब बीमारी चालू होने के पहले ही मालूम रहता है कि ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है, परफेक्शनिज्म है, नीट और क्लीन रखने वाली बीमारी मतलब व्यक्ति है ये, या टॉप टिप रखने वाला व्यक्ति है, स्वच्छता रखने वाला व्यक्ति है, वो ऑब्सेसिव रहता है, परफेक्शनिस्टिक रहता है, वो व्यक्ति ज़्यादा ये बीमारी की तरफ झुक सकता है कभी भी। तो वो भी ऑब्जर्व करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति कब ज़्यादा करना चालू करेंगे और कब बीमार हो जाएंगे मालूम नहीं। जितना जल्दी इलाज आप साइकेट्रिस्ट से करोगे उतना अच्छा है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।